हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मनीषा, आपकी दोस्त। आप सबका स्वागत करती हूं हमारे अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बॉन्ग ब्यूटी। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट का रिव्यू। ये एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही एड्स आ रहे हैं इसके, बहुत ही हाइप्ड प्रोडक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो चलो शुरू करें। तो आज हम बात करेंगे पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर के बारे में। पॉन्ड्स की अगर बात करें, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम ही हमेशा याद आती है, हम लोग बचपन से उसे यूज़ करते हैं। वो जो गुगली वुगली वुश वाला जो ऐड था, वो ऐड अभी भी याद है हमें। और वो बहुत ही ऑयली था, ग्रीजी था और चिपचिपा था। आज तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उसे अब यूज़ नहीं करती। बचपन में यूज़ करती थी, अब मैं उसे यूज़ नहीं करती। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये है पॉन्ड्स की तरफ से लाइट मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री फार्मूला है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन ऑयली फ्रेश फील फार्मूला जो होती है, ये वो फार्मूला है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये सच में नॉन ऑयली फ्रेश फील देता है या फिर नहीं। ये जो पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर है, ये 74 ग्राम यानी कि 75 ml का है और 115 यानी कि 115 रुपए में आती है। ये आपको आराम से लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन में मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो क्लेम करता है, इसमें है विटामिन ई प्लस ग्लिसरिन। सो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हुई है और यहाँ पर पीछे सारा इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको मिलेगी। और पैकेजिंग भी ठीक ठाक पैकेजिंग है, बहुत ही खास कुछ खास नहीं, जैसे सबकी होती है उसकी, इसकी भी वैसे ही पैकेजिंग है। और इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ मैंने सोचा है कि इसके साथ ये जो हमारा पुराना वाला फेवरेट है, मेरा पुराना वाला जो फेवरेट है, मैं इसके बगैर सच में नहीं रह सकती। ये मेरी सबसे फेवरेट क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है अमंग ऑल ऑफ देम। ये है निविया सॉफ्ट, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ आज हम इसका कंपैरिजन वीडियो भी बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ये पॉन्ड्स के जो लाइट मॉइस्चराइजर है, ये एक वाटर बेस्ड फार्मूला है, वाटर बेस्ड क्रीम है। और साथ ही साथ निविया के जो ये सॉफ्ट क्रीम है, वो भी एक वाटर बेस्ड फार्मूला है, यानी कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। इसीलिए दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक फॉइल रैप की गई हुई है और निविया का भी सेम है, एक फॉइल रैप की गई हुई है। दोनों का ही सेम है, लेकिन फ्रैग्रेंस के हिसाब, अगर फ्रैग्रेंस के हिसाब से, वाओ, पॉन्ड्स का जो फ्रैग्रेंस है ना, वाओ, जस्ट वाओ। ये पॉन्ड्स का जो खुशबू है ना, मन कर रहा है कि स्निफ करती ही जाओ। वाओ, कितनी अच्छी फ्रैग्रेंस है, एक फ्लोरल सी खुशबू आ रही है। अब इसे देखते हैं कि ये अंदर चीज कैसी है। सो मैं इसको अब अपने, थोड़ा सा लिया है मैंने, और अपने हाथों पे लगाऊंगी और देखूंगी कि ये कैसा है। मैंने एक बार पहले यूज़ किया था और सच में बोलती हूँ, ये बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है और सच में नॉन ऑयली है। सच में आप इसको अप्लाई करके इसे आप आराम से बाहर भी जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आप एक क्रीम यूज़ किए हो, आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हो अपने स्किन पे। और ये बिल्कुल भी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब्ड कर जाती है अपने स्किन पे, देखो कहीं पे भी चिपचिपा नहीं है। और सो एज निविया का भी वैसा ही है। निविया को भी मैं इस हाथ पे तो नहीं, थोड़ा सा लूँगी और इस हाथ पे लगाऊंगी। और निविया का भी वैसा ही है, खुशबू तो खैर पॉन्ड्स की ज़्यादा अच्छी है निविया से, निविया में वैसी ज़्यादा खुशबू नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है दोनों का ही।
दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम है। निविया भी बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर जाती है स्किन पे, और आप इसे आराम से एक डे क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हो। आप इसे बाहर भी अप्लाई करके जा सकते हो। देखो निविया भी एब्जॉर्ब हो गई और पॉन्ड्स तो एब्जॉर्ब हो ही चुकी है। लेकिन ज़्यादा ऑयल फ्री अगर बोलूँ तो ऑफकोर्स ये पॉन्ड्स वाली, यानी कि ये जो नया वाला पॉन्ड्स का है लाइट मॉइस्चराइजर, ये बिल्कुल ही ऑयल फ्री है। सो अगर आप ऑयली स्किन हो तो फिर ये आपका बहुत काम आने वाला है। अगर आप ऑयली स्किन हो तो फिर ये दिस इज द थिंग टू गो फॉर, गो एंड गेट दिस। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसमें हल्की सी पैराबन है और बहुत ही हल्की सी, चार तरह की पैराबन होती है लेकिन इसमें एक ही, सिर्फ एक ही तरह के पैराबन रखी हुई है। मैं इंग्रेडिएंट्स चेक कर रही थी और मुझे प्रॉपर पैराबन दिखा, सो यही ये बस यही एक माइनस पॉइंट है। माइनस तो नहीं बोलूँगी, ये पैराबन बहुत ही कॉमन सा पैराबन है, लगभग सब में रहती है, लेकिन इसका जो मैंने इंग्रेडिएंट्स चेक किया है उसमें कोई भी पैराबन मेंशन की गई हुई नहीं थी। सो कह सकते हैं कि ये निविया सॉफ्ट पैराबन फ्री है और इसमें थोड़ी सी हल्की सी पैराबन है। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन से हो तो फिर आप इसको एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो अपने स्किन पे ना अप्लाई करके। और अगर स्किन पे अप्लाई करना चाहते हो तो पैच टेस्ट ले लेना, अगर कुछ हुआ तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी तरह अगर आप नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन हो या फिर ऑयली स्किन हो लेकिन सेंसिटिव नहीं हो, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑयली स्किन वालों की तो लॉटरी लग गई इसके बाद, आप इसको ज़रूर यूज़ करना, ज़रूर। मैं तो इसको पॉन्ड्स, ये जो पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर है, इसको अपने मेकअप के अंडरनीथ में यूज़ करूँगी क्योंकि इसमें भर भर के ग्लिसरीन और विटामिन ई है। और ग्लिसरीन आप लोग सब जानते हो कि ग्लिसरीन जो है ना वो मेकअप को होल्ड करने में बड़ा ही यूज़फुल होती है, इसलिए इसमें ग्लिसरीन है। इसलिए आप अगर मेकअप करते हो तो अगर आप अंडरनीथ में इसको यूज़ करके फिर अपना प्राइमर लगा के और फिर अपना मेकअप करोगे तो फिर आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। मैंने एक ही दिन इसको यूज़ किया था और मैं इसको डेफिनेटली फिर से दोबारा से बार बार यूज़ करूँगी अपने अंडरनीथ ऑफ माय मेकअप। सो ये बहुत ही अच्छी एक इन्वेंशन है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अगर कोई कंपनी एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को मार्केट में लॉन्च करता है और पॉन्ड्स उनमें से एक है। थैंक यू पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश के लिए, थैंक यू पॉन्ड्स एज मिराकल के लिए, थैंक्स अ लॉट फॉर द बीबी क्रीम, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट थैंक यू अ लॉट फॉर ये जो आपने इन्वेंट किया, ये जो आपने लॉन्च किया ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या लाइट मॉइस्चराइजर कह सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पॉन्ड्स लॉन्च कर रहा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइजर में बस एक ही कॉन है, इसमें थोड़ी सी पैराबन है। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन पीपल। और अगर आपको उससे कोई इशू है, मुझे कोई इशू नहीं है पर्सनली, अगर आपको कोई इशू है थोड़ी सी पैराबन से, तो फिर आप निविया मॉइस्चराइजर यूज़ करें, निविया के लाइट मॉइस्चराइजर, स्पेशली ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन जिन लोगों को है आप ज़रूर उसको यूज़ करें। ये एक बहुत ही अच्छी क्रीम है निविया सॉफ्ट, ये तो लगभग सभी यूज़ करते हैं, तो मैं भी रेकमेंड करूँगी। अगर आपको पैराबन से कोई इशू है तो फिर आप निविया सॉफ्ट यूज़ करें, और अगर आपको पैराबन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी पैराबन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ज़रूर इसको ट्राई करना, ये एक बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो को आप लोगों ने इतना सा भी पसंद किया है तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे देना और कमेंट करके बताना कि आप इसको यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं, और कैसा लगा आज का वीडियो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। और सबसे सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़
सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।